বিভীষিকাময় 23 দিন। হামাস আর ইসরায়েলের যুদ্ধই 23 দিনত ভরি দিলে, কিন্তু এতিয়াও এই যুদ্ধর জয়কুরা নুমুয়ার নামেই লওয়া নাই, বরং এই যুদ্ধর জয়কুরা আর তড়িৎ গতিত সম্প্রসারিত হওয়াহে পরিলক্ষিত হয়েছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যতেই যেন এতিয়া এই যুদ্ধর জুই জ্বলি উঠিছে। হামাসক উৎখাত করিবৰ বাবে ইসরায়েলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অভিযান চলাই গৈছে। আকাশ মার্গেৰে আৰু স্থলপথেৰে এই অভিযান অব্যাহত রাখিছে ইসরায়েলে। যুদ্ধৰ 23 দিনত গাজা স্ট্রিপ সম্পূর্ণরূপে এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পরিণত হৈছে। ইসরায়েলের লক্ষ্য কেবল এতিয়া উত্তর গাজা, কারণ এই উত্তর গাজাতে আছে হামাসৰ এটা বৃহৎ প্রভাব, হামাসৰ বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি। শেহতীয়াকৈ ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে এটা তথ্য লাভ করেছে যে গাজা স্ট্রিপর উত্তর অংশত থাকা দুখনক বৃহৎ হাসপাতালত ঘাতি পাতিছে হামাস সন্ত্রাসবাদীয়ে। হয়, এই তথ্য ইতিমধ্যে সদরি করেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সর মুখপাত্রগৰাকী। আর তার বাবে এই দুইখন হাসপাতাল হল আল কুজ হাসপাতাল আর আল সাইফা হাসপাতাল। আল সাইফা হাসপাতাল হল গাজা স্ট্রিপর সর্ববৃহৎ এখন চিকিৎসালয়, আর এই চিকিৎসালয়খনক এতিয়া কার্যালয় হিসাবে হামাস সন্ত্রাসবাদীয়ে ব্যবহার করার তথ্যও লাভ করেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इसराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है और किस तरह से इसराइल लेबनान के इलाकों को निशाना बना रहा है उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दायरा इलाके में हमारी मौजूदगी है। मैं आपको देखिए तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे तो इसराइल का बॉर्डर है और इसराइल के बॉर्डर से ठीक पास में यहाँ पर देखिए रॉकेट से हमला किया गया था और ये सड़क किस तरह से डैमेज हो गई और देखिए रॉकेट के निशान, जो मलबा है, जो जिससे हमला किया गया उसकी स्थिति देख लीजिए। और ये जो पूरी सड़क है आपको डैमेज नज़र आएगी। यहाँ देखिए यहाँ तक जो सड़क है वो टूट गई है और जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उसकी स्थिति एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है इसको भारी नुकसान हुआ है और यहाँ आस पास इसी तरह से तबाही के मंजर नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो यहाँ कोई ऐसे हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है, अलग अलग पॉकेट में यहाँ पर घर बने हुए हैं, उनको निशाना बनाया। मेरे पीछे एक आप घर देख रहे हैं, डैमेज है एक घर। आप देखिए ये इमारत हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, अंदर से भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए आपको साफ तौर पर नज़र आएगा कि किस तरह से यहाँ रॉकेट से हमला किया गया है। ये तस्वीर देखिए पूरी तरह से डैमेज, शीशे आपको कांच के टुकड़े नज़र आएंगे और जिस जगह रॉकेट गिरा वो देखिए किस तरह से गड्ढा यहाँ पर बन गया है। क्या यहाँ पर तबाही के जो निशान हैं, जो जंग का असर है, जो जंग की तबाही के निशान है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से निशाना बनाया गया। और यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करी, लेकिन एक बात और हम बताना चाहें कि ये इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं और जो इसराइल की जद है, अगर इसराइल यहाँ से अटैक करना चाहे तो सीधे तौर पर यहाँ पर आराम से अटैक कर सकता है। ये जो पूरा पीछे का इलाका देख रहे हैं ये इसराइल की सीमा है।